हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हो के बारे में। तो गाइस हो पोकेमोन का जितना फेमस होना था तो गाइस हो उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। और गाइस कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हो एक अंडर 90 पोकेमोन है। और इस अंडर 90 के पोकेमोन का मतलब होता है कि जितना फेमस होना चाहिए था उतना फेमस हुआ नहीं। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि हो के साथ धोखा हुआ और लुकिया के साथ बहुत ही सही हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लुगिया जो इतना ज़्यादा फेमस हुआ था गाइस वो हो को होना चाहिए था। और चलिए गाइस अब लोग बिना वक्त ना गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं हूँ राकेश सर, आप लोग देख रहे हैं क्ले कार्टून इंडिया चैनल को। तो गाइस हो को पहले हम कहाँ देगा? तो गाइस हो को हमसे पहले इंट्रोड्यूस करा गया था गाइस पोकेमोन का पहला एपिसोड के एंड में। तो गाइस पोकेमोन का जो पहला एपिसोड का एंड था गाइस उस एपिसोड का नाम था आई चूज यू। तो गाइस वहाँ पर अपना हीरो एस अपना पोकेमोन चुनने गया था और गाइस वो अपना पहला पोकेमोन चुनता है पिकाचू को, यानी चुनता है। और गाइस उसके पास कोई भी चारा नहीं था क्योंकि गाइस सिर्फ पिकाचू ही बचा रहता था। और गाइस उसका जो जब पिकाचू और एस डिफरेंट तरीके से मिट्टी पर गिरा रहा था तब गाइस उन लोगों ने हो को देखा जो कि गाइस आसमान से एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्लाइंग करके जा रहा था। और गाइस ये जो पोकेमोन है गाइस इसका डिजाइन कुछ डिफरेंट तरह का था और गाइस ऐसा पोकेमोन के बारे में पोकेडेक्स भी नहीं बता सकता था। तो गाइस ये इसलिए हुआ था क्योंकि गाइस जो वो जो हो हमसे इंट्रोड्यूस पहले करा गया था तभी गाइस हो का डिजाइन बना रहा था पोकेमोन कंपनी वालों ने। और गाइस हो का नाम भी हो का कोई भी नाम उसका नहीं सोचा गया था। तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं हो पोकेमोन को किस तरह से हमसे इंट्रोड्यूस करा गया था। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और गाइस मैं आप लोगों को तो पहले ही बता चुका हूँ हो गोल्ड का सिंबल है और गाइस लुगिया सिल्वर का सिंबल है। तो गाइस सिल्वर से गोल्ड बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। और गाइस फिलहाल तो हो का कोई भी रिवोल्यूशन नहीं आया और गाइस अभी भी कोई भी लुगिया की भी रिवोल्यूशन नहीं आया। और गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात है। तो गाइस आगे जाकर मैं उम्मीद करूँगा कि हो और लुगिया की कोई भी रिवोल्यूशन आए। तो गाइस इस मामले में अगर हम लोग देखते हैं तो गाइस दोनों को बराबरी का हकदार मिला है। और गाइस हो आसमान का रखवाला और गाइस लुगिया है पानी का रखवाला। तो गाइस इन दोनों को भी जो इस सिचुएशन भी इन दोनों को एकदम बिल्कुल बराबर के हकदार मिला। और गाइस लुगिया है थ्री बार्ड्स एंड की लेजेंडी बार्ड जैप्टोस मोल्डस आर्टिकोला का बॉस। और गाइस वहाँ पर अगर हम हो को देखते हैं तो गाइस हो की लेजेंडी बीट्स का बॉस है जो कि गाइस इनके सिकुन और गाइस राइकू का बॉस है हो। तो गाइस वो भी लेजेंडी कैट है। तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा दोनों पोकेमोन ताकतवर है। तो गाइस यहाँ तक तो ठीक था जो कि दोनों का बराबर का हकदार था। लेकिन गाइस जब सारे के सारे लेजेंडी पोकेमोन को लेकर मूवी बनाया गया यहाँ तक कि हो लुगिया को लेकर भी एक मूवी बनाया गया था। लेकिन गाइस जब हो शुरुआत में आता है तो गाइस हो को लेकर कहीं भी मूवी नहीं बनाया गया था। तो गाइस मेरे ख्याल से एक बार होता है हो से छिड़काने शुरू। तो गाइस हो को बिल्कुल अपने हकदार से वो लोग जो है गाइस वो तो वंचित कर दिया था। और गाइस ये जो पोकेमोन है सो गाइस आप लोग समझ सकते हैं जितना ताकतवर है उतना ताकतवर नहीं बताया गया। और गाइस इस पोकेमोन के पास कहा जाता है कि गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे मूव है जो कि गाइस एक तो है गाइस जो ये मरे लोगों को जिंदा कर सकता है जो कि गाइस किसी के पास भी इतना ताकत नहीं है यानी कि लुगिया के पास भी नहीं है। और गाइस इसके पास एक खास एबिलिटी मूव है जो कि गाइस सिक्रेन फायर जो कि गाइस इस अटैक को गाइस ये जो पोकेमोन है गाइस जो पहले सीखा था। और गाइस कोई भी पोकेमोन इस अटैक को पहले नहीं सीखा था। और गाइस अभी तो सारे के सारे पोकेमोन ये अटैक जानते हैं यानी कि काफ़ी ज़्यादा फायर टाइप पोकेमोन ये जो अटैक जानते हैं। लेकिन गाइस जो हो है अपना गाइस उन्होंने पहले इस अटैक को सीखा था। और गाइस लुगिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोकेमोन है लेकिन गाइस अगर वो हो से टक्कर लेता है तो गाइस शायद लुगिया हार जाएगा। तो गाइस कहा जाता है जो कि बेल्टार में गाइस हमेशा हो आकर बैठता था। और गाइस उसके बगल में भी एक टार था जो कि गाइस लुगिया आकर बैठता था। लेकिन गाइस वहाँ पर आग लगने की वजह से वहाँ से लुगिया चला जाता है और गाइस उसके साथ हो भी चला जाता है। और गाइस उस टार में कहा जाता है तीन पोकेमोन जलकर मर जाते हैं।
जो है कि गाइस जोल्टियन, वेपरियन और गाइस फ्लेरियन। गाइस उस पोकेमोन को बचाने के लिए गाइस उसको हो आता है और गाइस उन तीनों पोकेमोन को बचाता है और गाइस तीनों पोकेमोन को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हो के पास पावर है। तो गाइस इसके जो मुकाबला लुगिया कुछ भी नहीं है। तो गाइस मेरे ख्याल से आज का एक जो छोटा सा बैटल था गाइस, इसका विनर होता है लुगिया। और गाइस मैंने कहा था हो के साथ छेड़खानी हुआ है, तो गाइस हो के साथ ऐसा छेड़खानी हुआ था कि सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमोन को लेकर मूवी बनाया गया, लेकिन गाइस हो से नहीं बनाया गया। और गाइस अगर थंबनेल में कुछ गलती हो गया तो गाइस प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना कहीं मत जाना। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में।